वेलकम टू गौरी मॉम्स ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए माह के महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र स्थान, जो कि माह के महीने में आप इस तरीके से दर्शन कर लेंगे इनके तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि माह के महीने में हमें गंगा जी पे स्नान ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो पूरे महीने ही स्नान करना चाहिए, पर ये संभव नहीं है। तो अगर हो सके माह के महीने में एक बार तक गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। पर जो लोग फ्रेंड नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं हम, और इसमें आप पावन पवित्र गंगा मैया के दर्शन करिए और अपने पुण्य का फल घर बैठे पाइए। फ्रेंड, इस तरीके से देखिए, बहुत ही पवित्र जगह ये मानी जाती है गंगा स्नान को, गंगा स्थल। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से गंगा जी पर लोग जाके अपना दीप दान करते हैं और लोगों को दान दक्षिणा और तिलक भंडारा भी खिलाते हैं वहाँ पर जाके। आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा फ्रेंड्स। भैया पैसे
गंगा जी के स्थान पे जाके लोग इस तरीके से दान दक्षिणा भी देते हैं और बच्चों के लिए कुछ बिस्किट के पैकेट लोग ले जाते हैं, उनको बांटते हैं। और गंगा जी के स्थान पे, गंगा घाट पे इस तरीके से लोग दीपदान भी करते हैं। दीपदान करने का माघ के महीने में एक अपना अलग ही महत्व है। जो इस तरीके से दीपदान करते हैं माघ के महीने में, उनको बहुत ही ज़्यादा पुण्य का फल मिलता है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से लोग बोटिंग भी करते हैं वहाँ।